हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। ओके, तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग या बहुत ही क्या बोलूँ अब बिग बॉस के बारे में। मतलब उसमें क्या ही चल रहा है, लाइक क्या हो रहा है, लाइक सबको मज़े तो बड़े आ रहे होंगे, है ना। बट मेरा मतलब मैं किस उस शो के बारे में, ज़्यादा मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी कि वहाँ पे वो लोग बहुत बहुत, मतलब जैसे अभी मैंने रीसेंट एपिसोड्स में देखा है कि पहले मुझे सच बताओ, मुझे अंकिता लोखंड से बहुत ज़्यादा लाइक आई यूज टू फील, यू नो, मुझे बहुत पता नहीं, मुझे ठीक लगता था, बाकी मुझे लोगों का नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से वो अभी जैसे मनारा के साथ कैरेक्टर असैसिनेशन जो किया है उनका, एंड इतना उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलना, दैट इज़ नॉट राइट, वो अच्छा नहीं लगा। एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा था। लेट्स सी कि आप सबके साथ मेरे व्यूज़ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लाइक बट हाँ, मुझे ये मुझे लगता है आप कोई भी टास्क करते हो, कुछ भी खेलते हो, कुछ भी कोई भी रियलिटी शो में जाते हो, लेकिन आपको इंसानियत बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जो कि हुआ है, जो कि ईशा ने भी भूली है इंसानियत। एंड अंकिता लोखंड ने डेफिनेटली, आयशा तो डेफिनेटली, मतलब द वे, मतलब वो टास्क, या तो उनको गलत फहमी होती है कि टास्क यार भर के करो, टास्क में मज़ा तब आता है जब वो आप खुद झेल रहे होते हो, तब आप रियल हीरो कहलाओगे। लाइक अगर एक टास्क मिला है जहाँ पे कोई आपके ऊपर अगर कोई मिर्च मसाला डाल रहा है या जो भी डाल रहा है और आप उसको बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो यू आर द रियल हीरो। जो आप पे कर रहा है वो रियल हीरो नहीं है भाई, वो तो लोगों को मतलब अपनी रियलिटी दिखा रहा है कि लाइक यू नो, आप कुछ चीज़ जीतने के लिए किसी पे कितना जुल्म कर सकते हो। एक होता है स्मार्टनेस के साथ खेलना किसी को, इट्स अबाउट आप, ये जो टास्क हुआ था यहाँ पे सब लोग ये सोच रहे थे कि हम सामने वालों को कैसे हराएं। मुझे क्या लगता है, अगर आप खेल रहे हो तो यार आप सामने वालों को कैसे हराने, आपको ये सोचना चाहिए कि आप खुद कैसे जीतो, यू नो, खुद जीतने के लिए आप वो टास्क कैसे करोगे। ये आपको नहीं सोचना कि सामने वाले को हराने के लिए हमें चीज़ें छुपा दें या जो भी चीज़ उन लोगों ने की है, तो वो बहुत ही अजीब था। एंड दूसरी चीज़, फैमिली वीकेंड में, हाँ यार ये बहुत अजीब लगा, जैसे विक्की भाई फेमस हो गए, तो उनके फैमिली आके जो भी वो बोली है, थोड़ा सा अजीब था, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम। वो क्या होता है ना, उन्हें पता नहीं है कि मीडिया के सामने आपको कैसे रिएक्शन देना है, कैसे बिहेव करना है। बहुत सारे लोगों को, हम सब लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब आपके सामने इंटरव्यूज़ होते हैं या मीडिया आपके सामने होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग उसमें फिल्टर करके तब अपनी चीज़ों को रखते हैं या एक सजा के रखते हैं उस चीज़ को, यू नो। तो बस आंटी के साथ ऐसे ही हुआ कि उनको शायद उतना पता नहीं है, तो उनको जैसे जो फील हो रहा था ना, बस वो बोलती गई कि लाइक यू नो ऐसा है कि यार, मन में आया ही होगा कि यार इंडस्ट्री की बहू है, थोड़े तो नखरे झेलने ही पड़ेंगी, वो आते ही है सबके। हमारी इंडस्ट्री के बारे में लोग बहुत ज़्यादा है सोचते हैं, ये मुझे पता है। तो नहीं, मेरे घर पे बट मैं बताती हूँ, जब मेरी भी, व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड ऑल्सो ना, तो सबसे पहले सबका यही आया था कि अरे बापरे इंडस्ट्री से है, तब तो पता नहीं उसके क्या क्या नखरे होंगे, क्या होगा एंड ऑल, ये सबका थॉट आया था, यू नो। वो अलग बात है, अब पता ही है सबको कैसी हूँ मैं, जो भी है। तो वो सबको लगता है, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग तरीके से दिखाई जाती है, लेकिन उनका जो है ना आंटी का, वो तुरंत ही विदाउट फिल्ट्रेशन वो चीज़ें उन्होंने, मतलब बिना सोचे समझे बस ऐसे ही बोल दिया, लाइक यू नो, कि अरे यार बापरे, मतलब हाँ हमारे उससे है करके, क्या बोलते हैं, उसके नखरे झेलने पड़ेंगे एंड ऑल दैट। वो स्टेटमेंट बहुत उनके अगेंस्ट चला गया, तो थोड़ा सा उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाई एक्चुअली। या तो ना, पता है, पहले समझा देना चाहिए था जब आप जा रहे थे, तो किस तरह से आपको, या इंटरव्यू में या तो कुछ बोलो ही मत, और अगर बोल रहे हो तो दोनों का पहलू देखो। ये टिपिकल वो हो गई थी, मतलब जैसे एक ये फैक्ट है, हर माँ अपने बच्चे को ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसके लिए उसका बच्चा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मेरी मम्मी के लिए, चलो मैं लड़के की माँ के बारे में क्या बताऊँ, लाइक मेरी मम्मी के लिए मैं सबसे ऑब्वियसली मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं प्रायरिटी हूँ, नितेश भी प्रायरिटी, लेकिन जहाँ पे सवाल अगर आएगा हम दोनों का, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि यू नो दोनों ही सही रहे, लेकिन उनके जो मन में है वो मेरे लिए ज़्यादा है। अब उनको पता है कि कैसे बोलना है, तो शायद वो इतना भी नहीं पता, लेकिन वो मतलब वो एक होता है ना, इंसान को जब बोलना होता है कि रेस कौन जीते, एक रेस हो रही है, ठीक है,
तो मोस्टली बहुत लोग होते हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे जीते, दोनों ही अच्छा खेले, जिसमें ज्यादा जो ज्यादा स्ट्रांग है वो बच्चा जीते, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बोलते हैं। बट रियलिटी चेक ये है, अगर आपका बच्चा जीतेगा तो आपको ज्यादा खुशी होगी, करेक्ट? तो उसी तरह से उनका इस तरह से रिएक्शन निकला है। मतलब मैं, आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मतलब मुझे भी खुद बहुत बुरा लगा। मतलब मैंने देखा एपिसोड, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, यार आंटी ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, मतलब ये क्या बात हुई कि आपने, देखो पति देवता होता है, आपने शादी भी तो किससे की है, विक्की जैन से, मतलब विक्की जैन जैसा पति, लाइक यू नो। तो वो सब वर्ड सुन के मुझे खुद को भी, मतलब मैं भी अरे यार ये क्या है, लेकिन बट बहुत सोच रही थी कि यार ठीक है, मतलब एंड ये होता है यार उन लोगों के। बट हाँ, जब खुद पे बीतती है तो बहुत बुरा लगता है, ये तो फैक्ट है। एंड नेक्स्ट आई फील ईशा। ईशा अब तक ना बीत, मतलब कल परसों 2-3 दिन के पहले वाले एपिसोड तक बहुत अच्छा खेल रही थी, ठीक ही खेल रही थी, लाइक यू नो। एंड जैसे अभी खेल रही उससे काफी बेटर खेल रही थी। अभी क्या हुआ ना, जैसे वो हार गई उसकी रियलिटी निकली। क्या होता है इंसान ना, जब तक आप हारते नहीं हो, जब तक लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, जब तक आप एक अच्छे लेवल पे हो, तो आप हमेशा अच्छाइयाँ दिखाओगे। आपका रियल चेहरा तब आता है जब आप लाइफ में बहुत या तो लो फेज में हो, या तो फिर आप हार रहे हो, यू नो, या तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हो, कुछ आपका हो नहीं रहा है, जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है। उस मोमेंट पे आपके अंदर का जो एग्रेशन होता है, जो चिड़चिड़ापन होता है, वही सब निकल रहा है ईशा का। मतलब वो दिख रहा है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि इस फेज में भी, अगर आपकी रियलिटी है ही नहीं कि आप किसी को गाली दे सकते हो, इस फेज में भी आप गाली नहीं दोगे, आप शांति से अपने पे बैठोगे, चिड़चिड़ापन अपने पे निकालोगे। कुछ लोगों का होता है कि जिसकी रियलिटी है जो छुपा के रखी है, तो ऐसे फेज में आप सामने वाले को गाली दो। यार ये मन में आप, अगर आपको इस सारे वर्ड्स ये सब पता है तभी आप बोल पा रहे हो ना यार, किसी को कैसे बोल रहे हो यार कैरेक्टर लेस, कोई डांस कर रहा है जाके बार में जाके डांस कर, ये कर वो कर, आई मीन लाइक उसकी जा जा जाके उसके गोद में जाके बैठ जाए, ये सब वर्ड्स बड़े अजीब से हैं। मतलब इट्स रॉन्ग आई फील। तो मतलब आप जो सोचते हो ऑब्वियसली आप वो चीज़ बोलोगे कि आपके मन में जब जिस टाइम पे थॉट आया है तभी आपने ये बोला होगा। तो ऐसा मुझे लगता है। मनारा इज़, मुझे मनारा काफ़ी रियल रियल सी लग रही है। एंड हाँ ऑब्वियसली हर इंसान में अच्छाई या बुराई होती है, तो कुछ ज़्यादा ही वो मुनव्वर के चक्कर में वो इम्पोर्टेंस पाने के लिए द वे शी इज़ बिहेविंग, बिकॉज वो इम्पोर्टेंस उसको मिलती थी एंड सडनली वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। बहुत लोग होते हैं कि आपको, यू वॉन्ट टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू वॉन्ट टू गेट दैट इम्पोर्टेंस फ्रॉम एवरी वन, यू वॉन्ट टू गेट पैम्पर्ड, लाइक यू नो, एंड देन ओनली यू आर बी, यू विल बी लाइक इन योर सेंस, लाइक यू नो, एट दैट मेंटल पीस, एंड यू विल बी लाइक हैप्पी हैप्पी। सो आई फील शी इज़ वन ऑफ देम। एंड उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, लाइक इवन मतलब मुझे भी पसंद है यार, आपको इम्पोर्टेंस, सबको पसंद है कि आपको इम्पोर्टेंस मिले। और जहाँ कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हो, जब आपको जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा हो, सडनली वो प्यार कहीं और पलट जाए, तो बहुत ही इरिटेशन होती है। तो आई अंडरस्टैंड दैट इज लाइक। एंड इस वक्त मेरे हिसाब से अभिषेक, इतना गुस्सा, ओह गॉड, गुस्सा तो मेरे अंदर भी बहुत है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मैं भी बहुत चिड़चिड़ी हूँ, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हाँ गुस्सा तो बहुत करता है, वो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन यार वो हो सकता है ना किसी का नेचर, अगर सामने वाला इतना पोक करे। हाँ बिना पोकिंग के भी होता है, बट ये हुआ है कि पहले जब वो शुरू करता है ना, तो उसको लगता है थोड़ा सा मैं गुस्सा उस्सा करूंगा, थोड़ा सा शायद मुझे उससे बहुत ज़्यादा यू नो मेरे पे ध्यान चला जाए, या ऑब्वियसली पहले का कुछ बिग बॉस देखा होगा जो भी है। लेकिन वो करते करते, वो होता ना आप एक्टिंग करते करते करते, आप उसको रियलाइज ही नहीं होता कि वो रियल में बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका, यू नो, तो वो चीज़ें आ जाता है। बट इस वक्त तो वो सबके लिए हीरो ही बना पड़ा है अभिषेक। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है द वे, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वो बना विलन। कोई भी अगर पहले विलन बनता है, विलन बनने के बाद अगर वो कुछ भी अच्छा करता है तो वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई अगर ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, उसमें थोड़ा और अच्छा कर दिया, इट्स ओके नॉर्मल। लेकिन अगर एक विलन होता है जो कि सब कुछ बुरा कर रहा है, गलत रॉन्ग कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसने थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ें कर दी,
तो ऑडियंस कितनी खुश हो जाती है, लाइक यू नो कि अरे यार ये देख देख देख, हाँ इसने कितना मतलब चलो ये तो अच्छा किया, तो वो उसको दिखने लगता है। तो उसके साथ शायद इस तरह की चीज़ें हुई है। एंड बाकी हाँ विक्की भाई का तो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस उनको, वो भी चिढ़ जाते होंगे यार बार बार अगर वो नहीं दे रहे इम्पोर्टेंस। आई नो शी इज़ उनको ऐसा लगता है अंकिता लोखंडे को कि वो शी विल लूज हिम और समथिंग, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव वाली बातें हो जाती है। लेकिन अब हाँ हाँ दूसरे बाहर क्या मतलब बाहर गए हो किसी रियलिटी शो में गए हो तो यू हैव टू बी यू नो सबसे दोस्ती बनाना, ये सब तो करना ही पड़ेगा यार, तो वो सारी चीज़ें। एंड बाकी ज़्यादा लोग सच बताओ तो मुझे समझ ही नहीं आते। मुझे फ़िलहाल तो अभी अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, अभिषेक, ईशा और मुनव्वर, लेकिन मेन अभी फ़िलहाल आई थिंक अभिषेक, ईशा, विक्की जैन एंड अंकिता लोखंडे। तो मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि कौन जीतेगा इस बारे में नहीं बोलने वाली तो लेट्स सी। एंड हाँ इंटरेस्टिंग तो है एपिसोड्स, मैं बिग बॉस देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड ये सारी बातें मैं जब देखते वक्त भी ज़्यादा मैं किसी से डिस्कस सामने सामने अगर हम मैं किसी से डिस्कस करूँ ऐसा हो जाता है कभी किसी फ्रेंड्स ना या मैं और नितेश आपस में डिस्कस करें तो हमारी भी बहुत बार आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं, नहीं नहीं यार, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो एग्जैक्टली एंड चलो ठीक है, अभी तो फिलहाल ये मेरे जो मन में थॉट आया, मुझे बोलना था यार, मुझे बोलना था कि दिस व्हाट आई एम फीलिंग। एंड ठीक है एंजॉय टाइम एंड अभी देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है, अभी तक यहाँ तक देखा है यार। अच्छा हुआ फैमिली वीक में सब लोग आए, अभी फैमिली वीक नहीं, अभी जो कल के एपिसोड में सब लोग आए और अलग तरीके से सलमान सर ने सबको समझाया, वो बहुत ही अच्छा है कि फैमिली का भी ओपिनियन रखा। एंड तो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेरे ऐसे ही गप्पे सुनने के लिए बहुत, जितने भी लोग सुन रहे हैं जितने भी सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू यार। अच्छे इंसान बने रहो बस, जो भी अच्छे इंसान बने रहो, इंसानियत मत छोड़ो, क्योंकि तभी फर्क है ना इंसानों में। और सो प्लीज बी अ गुड ह्यूमन, लाइक यू नो आई लव यू।